बड़ी खबर मधेपुरा से। बीएनएमयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा। राज्यपाल फागू चौहान के विरोध में नारे लगे हैं एबीवीपी के छात्रों ने। नारे लगाए हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी। चौथे दीक्षांत समारोह में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। जैसे ही राज्यपाल अपना अभिभाषण देने के लिए माइक पर आए, वह दो चार शब्द ही बोल पाए थे कि अचानक से छात्र संगठन के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे और उसके बाद काफी मशक्कत से छात्र संगठन के 7 से 8 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सदर थाना भेज दिया है। तो एबीवीपी के छात्रों ने नारे लगाए हैं विरोध में। बीएनएमयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि राज्यपाल फागू चौहान के विरोध में नारे लगाए गए हैं। एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया है। छात्रों ने नारे लगाए हैं। जैसे ही राज्यपाल फागू चौहान अपने भाषण की शुरुआत कर रहे थे, इस बीच एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। राज्यपाल फागू चौहान के विरोध में नारे लगाए हैं इन छात्रों ने। बीएनएमयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा देखा गया है। ये तस्वीरें हंगामा की आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मधेपुरा के जहाँ बीएनएमयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा हुआ है और ये हंगामे की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान के विरोध में नारे लगाए गए हैं। एबीवीपी के छात्रों ने नारे लगाए हैं। एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया है। मधेपुरा में बीएनएमयू के दीक्षांत समारोह के दौरान यह हंगामा हुआ है। राज्यपाल फागू चौहान जैसे ही अपने भाषण स्टार्ट किए, दो चार शब्द ही बोल पाए, उससे बीच एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और इनके विरोध में नारे लगाए। लेकिन इस बीच आपको दिखा दे कि सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर लेकर के बिहार तक में, और राज्यपाल भी उनके ही हैं। पता नहीं उनके अंतरूनी मामला क्या थी और किन वजह से उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये तो उनके ही संगठन के लोग हैं, एबीवीपी उनके ही अंग है। जो भी कमी होगी वो लोग का अपना मामला है। हम लोग यहाँ पे गेस्ट के रूप में आए हैं और राज्यपाल महोदय के मधेपुरा की धरती पे, भूपेंद्र नारायण मंडल लालू नगर की धरती पे स्वागत है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल उनका स्वागत करता है। सोनू यादवपुर जिलाध्यक्ष छात्र।